महाराष्ट्र और झारखंड के तो नतीजे लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से एनडीए की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन मध्य प्रदेश उपचुनाव की बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की सीट बुधनी पर आज उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं और कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है विजयपुर सीट पर भी और बुधनी सीट पर भी। सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से पक्ष रखने के लिए, मध्य प्रदेश से बहुत बहुत स्वागत है सत्येंद्र जी आपका। वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, शिवराज जी का जादू फिर से चलेगा सत्येंद्र जी बुधनी में? निसंदेह जनता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का शिवराज जी का जादू चल रहा है और मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, यूपी में चल रहा है और झारखंड में भी सभी जगह चल रहा है और यहाँ भी चलेगा, विजयपुर में भी चलेगा। क्या है बगीचा जी, हम लोग जी जी बोलिए सत्य जी बोलिए। हाँ हम क्या है, हम चुनाव के लिए दृष्टिगत रह के कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि राजनीति में है तो संगठनात्मक हमारी भारतीय जनता पार्टी का सदैव कोई ना कोई कार्य पर्व और अभियान चलते ही रहते हैं। अभी सदस्यता अभियान चल रहा है, अब हमारा बूथ लेवल का चुनाव हो चुका है, उसके बाद में संगठन पर्व में मंडल का पर्व आने वाला है, उसके बाद जिले का जिला संगठन पर्व मनाएंगे, तो बूथ संगठन पर्व मना रहे हैं, उसके बाद ये हमारे चल रहे हैं, उसके बाद पहले बूथ विजय संकल्प अभियान चलते रहते हैं। तो संगठनात्मक दृष्टि से भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में 24 आवर्स 365 डेज एक्टिव रहती है, काम करती है और अपना सर्वस्व अर्पण करती है। जहां जहां जनता ने भगवान रूपी जनता, हम तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति माध्यम से है और सेवा का माध्यम है राजनीति, तो जब भगवान रूपी जनता आशीर्वाद देती तो सरकार चलाते हैं, सरकार चलाते हैं तो उनको उनके काम करते हैं। तो जिस राज्यों में हमारी सरकारें हैं वहां हम काम कर रहे हैं, जनता के हृदय प्रदेश को विजित करने का काम करते हैं सैकड़ों योजनाओं के माध्यम से, वो भी कर रहे हैं। और आप देखें विजयपुर हो, बुधनी हो या महाराष्ट्र में देखिए, और महाराष्ट्र हो, सभी जगह हमारे अप्रतिम आशीर्वाद जो भगवान रूपी जनता दे रही है। भारत को हम एक बड़ा मंदिर मानते हैं, मध्य प्रदेश एक और मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता भी मंदिर है। अब विजयपुर और बुधनी दोनों मंदिर है हमारे लिए, तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी का जब हम काम करते हैं, हमारी सरकार ने तो उनके हृदय प्रदेश को जीता है अनेक योजनाओं के द्वारा, हम जो जनता है उसके जनता आशीर्वाद दे रही है। जादू चल रहा है भाजपा का, शिवराज जी का जादू। धर्मेंद्र जी एक बात है, इंटरेस्टिंग बात है, झारखंड का प्रभारी शिवराज जी को बनाया, झारखंड में वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, हालांकि बीच बीच में वो बुधनी भी आए चुनाव प्रचार करने के लिए। अब चर्चा ये है कि झारखंड में जो परफॉर्मेंस है एनडीए का, क्योंकि शिवराज जी ने पूरी ताकत झोंक दी झारखंड जिताने के लिए, क्या शिवराज जी का फिर से प्रमोशन होगा? मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेता क्या सोचते हैं शिवराज जी के बारे में, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए शिवराज जी जाहिर सी बात है एक बहुत लोकप्रिय नेता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और बुधनी सीट तो कांग्रेस भले ही आगे पीछे होती रही, कई बार राउंड चलते हैं, लेकिन इसमें संशय नहीं होना चाहिए किसी को विजयपुर और बुधनी में बीजेपी के अलावा कोई और जीतेगा। लेकिन बात ये, आपने सवाल सही पूछा कि झारखंड का जो प्रभारी बनाया गया वहां पर उस तरह के अपेक्षित रिजल्ट नहीं है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? तो शिवराज जी तो जनता से जुड़े नेता है, लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड में कुछ और कई फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से नतीजों में इस तरह का रुझान दिख रहा है, नहीं कहूंगा अभी रुझान कहूंगा, उसकी वजह शायद ये रही कि जो वहां को शायद उतनी तरजीह नहीं मिल पाई बीजेपी में चुनाव। ज्यादा आवाजें आ रही है बागीशा जी, पीछे से बैकग्राउंड साउंड ज्यादा है जी। बिल्कुल 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 बोलिए धर्मेंद्र जी। मैं कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि जो झारखंड का मामला है वहां थोड़ा अलग है। शिवराज जी नेता तो अच्छे हैं, लेकिन जो झारखंड के लोकल लीडर्स हैं बीजेपी में, शायद उनको और पार्टिसिपेशन होता तो कुछ बेहतर नतीजे आते। आपकी आवाज नहीं आ रही बागीशा जी। बिल्कुल, लेकिन सत्येंद्र जी यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जब रुझान आना शुरू हुए तो कांग्रेस को भी बढ़त मिली, अभी हमको इंतजार करना होगा, क्योंकि जिस तरह से सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि हम बुधनी और विजयपुर नहीं बल्कि महाराष्ट्र जीत रहे, झारखंड जीत रहे और जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर सब जगह बीजेपी जीत रही है, तो ओवर कॉन्फिडेंस सही नहीं है सत्येंद्र जी? देखिए अभी झारखंड जो आप कह रहे हैं, झारखंड में भी हमें 32.56% वोट मिल चुके हैं और सबसे बड़ा वोट शेयर है। आप देखें JMM को 22% वोट मिला है,
जेएमएम को जो वोट मिल रहा है उससे 10% वोट वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, शिवराज जी और वहां की स्थानीय जो राज्य की इकाई, सबने बड़ा काम किया है। तभी तो हमें 32% से ज्यादा 33% वोट मिल रहा है, जो जेएमएम से 10% ज्यादा है, कांग्रेस से 17% ज्यादा है। तो ऐसे हमने बड़ा काम किया है। तो वहां भी और महाराष्ट्र में भी हमारे आप सीट टैली देखिए 225 से ऊपर जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारतीय जनता, और महाराष्ट्र में तो सरकार भी हमारी है। सरकार होने के बाद एंटी इनकम्बेंसी जैसे एक टर्मिनोलॉजी है, जो सत्ता विरोधी लहर जिसको कहते हैं, और जो विपक्षी दल होते हैं, जो कांग्रेस जैसे दल हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी हो गई, शरद पवार जी की पार्टी है, ये सब लोग उसमें आग में घी डालने का काम करते हैं, विपक्ष में रह करके भड़काते हैं, सत्ता विरोधी लहर उत्पन्न करने में एडीसी चौधरी का जोर लगाते हैं। लेकिन उन सबके बाद भी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस है, हमारी जो हमारी युति महायुति का जो परफॉर्मेंस है, वह कहीं ना कहीं स्तुत्य है, प्रशंसनीय है, बहुत ही बड़ी बात है। ये इसका एक ही इंगित करता है कि जिस प्रकार से हमारी सरकार वहां चली है, हमने महाराष्ट्र की जनता को भगवान माना है, और जो पूजा है, जो चाहे लाडली बहन योजना वहां पर भी हो या अनेक योजना है, चाहे जो वहाँ पोर्ट डेवलप किए जा रहे हों, चाहे वहाँ रोड्स बनाए जा रहे हों, जो काम किया है वो अप्रतिम काम किया जा रहा है। यही कारण है कि महाराष्ट्र के जनता के हृदय प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विद्यमान रही, और ईवीएम के माध्यम से आज आप जब ईवीएम खुल रही है तो वो वोटों से प्रस्फुटित हो रहा, फूट रही है वो मतगणना में। तो आप देखिए मतगणना में अब विपक्षियों को डर लग रहा, कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ हुआ है, इतनी सीट कैसे आ गई, ये क्या हो रहा है। अब विपक्षी जो है ना निष्प्राण हो रहे हैं, निस्तेज हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करें। धर्मेंद्र जी, क्या आप ये मानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ही वो फैक्टर है जिसने विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और उपचुनाव उसमें अहम भूमिका निभाई है? क्योंकि चर्चाएं तो यही चलती है कि शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहन योजना हो या फिर शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से जमीन से जुड़े होते हैं, लोगों के बीच होते हैं, शिवराज सिंह चौहान को लोग अभी भी नहीं भूल पा रहे। तो क्या यही फैक्टर आप मानते हैं मध्यप्रदेश में जीत का और कांग्रेस मुक्त का? बिल्कुल, मुझे लगता है कि शिवराज जी जमीनी नेता है और इसमें कहीं कोई किसी को संशय नहीं होना चाहिए, और ये फैक्ट है। क्योंकि कोई भी अगर तीन बार जीतता है, तीन टर्म मुख्यमंत्री रहता है, तो बिना जनता के सपोर्ट के ये संभव नहीं हो सकता है। तो ये तो दिखता है कि हाँ उनका असर है लोगों के बीच में और इसी की वजह से वोट मिले हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई फैक्टर्स होते हैं राजनीति में जो काम करते हैं, चेहरे के अलावा भी, क्योंकि बीजेपी कई बार चेहरे को सामने रख के चुनाव नहीं लड़ती, कोई मुख्यमंत्री का फेस नहीं होता है। तो लेकिन मेरा मानना है कि शिवराज जी ने अच्छा काम किया और उसी की वजह से बुधनी जीत रहे हैं। और कांग्रेस में तो आप देख ही रही हैं, जब आप कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वहां पर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है और कोई जो थिंक टैंक है वो पता नहीं किस हिसाब से काम करता है। मध्य महाराष्ट्र में उनको बहुत उम्मीदें थी, आप वहां महाराष्ट्र का रिजल्ट देख लीजिए क्या हुआ, ठीक है। तो कांग्रेस कमलनाथ की वजह से थोड़ा सा उनको हुआ नुकसान हुआ। तो कांग्रेस का तो कुछ कहना अभी संभव नहीं है, जब तक लीडरशिप एक मजबूत नहीं होगी उनके पास में, तब तक अगर वो उम्मीद करते हैं कि बीजेपी से या एनडीए से या महायुति से किसी से लड़ लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। सत्येंद्र जी, क्या जी सत्येंद्र जी, क्या आप भी ये मानते हैं कि कमलनाथ जी के जाने के बाद से जीतू पटवारी को जब से कांग्रेस में लाए हैं, जब से उन्हें अध्यक्ष बनाया है, तब से और ज्यादा कांग्रेस डूब गई? बिल्कुल, कांग्रेस तो डूब ही चुकी है, और जीतू पटवारी जी डर ने डर के मारे ही, डर के कारण भयाक्रांत होकर के कायरों की बात ही पहले ही अपनी प्रदेश कार्य समिति का आयोजन कर लिया। उनको पता था कि 23 तारीख है, आज के बाद वो करते तो उन्होंने कल और परसों में अपनी प्रदेश कार्य समिति को संपन्न किया है, उसमें भी विरोध के स्वर फूटे हैं और एक दर्जन से ज्यादा बड़े नेता उसमें नहीं पहुंचे। तो जीतू पटवारी जी ने की आंखों से आंसू निकल आए, जो सज्जन सिंह वर्मा कह रहे थे उन्होंने रो दिया, तो अभी से वो रो रहे हैं। और आज सोचिए अगर 23 तारीख के बाद अगर वो अपनी बैठक करते तो जो दम्भ वो भर रहे थे कि 50,000 वोट से वो जीत रहे हैं और जीतेंगे, बुधनी सीट जीतेंगे, सब तो वो उनका सारा का सारा दम्भ निकल जाता और वो लोग कांग्रेस के नेतागण ही उनके कांग्रेस के, आपको पता है कांग्रेस में कितनी टूटन है और कितना सामने के सामने झगड़े होते हैं, बातें करते हैं। वो दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी का आपने देखा होगा कि वो कह रहा जाओ दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ के आओ, कुर्ता फाड़ के आओ, और दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी कहते हैं नहीं नहीं वो तो मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है दिग्विजय सिंह जी को, और इनको गालियां खाने की। तो कांग्रेस में खुलेआम कुर्ते फाड़ने का, कपड़े फाड़ने का खेल चलता है, खुलेआम गाली देने की पावर ऑफ अटॉर्नी बढ़ती है। तो इसी कारण से जीतू पटवारी जी ने डर के
कारण से कि कहीं ऐसा ना हो 23 तारीख के बाद पहली ही कार्य समिति आयोजित करने वाले हैं। अभी बड़ी मुश्किल से 1 साल बाद 13 महीने बाद तो अपनी कार्य समिति वो बना पा रहे हैं, 11-12 महीने बाद, तो 1 साल बाद उनकी कार्य समिति बनी हो, पहली कार्य समिति में ही ये दुर्गति हो जाए उसके डर के कारण से ही भय से आश्वस्त होकर के भय के कारण ही उन्होंने पहले का अपनी कार्य समिति की। तो आपने जो कहा कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी जी के समय बहुत डूब रही है, और वो जीतू पटवारी जी ने स्वयं भी कहा है, आपको याद होगा मीडिया डोमेन में, कि पार्टी जाए तेल लेने, तो पार्टी तेल लेने ही जा रही है, ये स्थिति हो रही है, ये उनके ही शब्द हैं, कांग्रेस के नेतागण भी कहते हैं बार बार। जी जी, लेकिन धर्मेंद्र जी, कमलनाथ जी थे तो लोगों ने कहा कमलनाथ जी बूढ़े हो चुके हैं, अब युवा चेहरा आना चाहिए जीतू पटवारी को लेकर, लेकिन अब तो ना तो कमलनाथ जी का चेहरा काम आ रहा है ना ही जीतू पटवारी का। कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हो गया है, लोकसभा में भी नील पट्टे सन्नाटा, विधानसभा में भी, उपचुनाव में भी, तो क्या कारण है, कहां बदलाव की जरूरत है? देखिए, बदलाव की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि जब तक आप अपने आप ये नहीं तय करेंगे कि आपका लीडर किसकी जनता के बीच में पकड़ है और कौन सिर्फ टीवी पे आकर के या बातें करके आगे आया हुआ है, इन चीजों को आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जमीनी नेता को जब तक आप नहीं पकड़ेंगे और उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसकी बातें नहीं सुनेंगे, उसके मुताबिक आप चीजें नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि भला होने वाला है कांग्रेस का। और कांग्रेस में जो बात अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे, सिर्फ फुटबॉल मचा हुआ है आपस में, तो ये सब चीजें पब्लिक भी देखती है, वोटर बहुत समझदार है आज की डेट में, वो अपना वोट वेस्ट नहीं करना चाहता किसी ऐसे इंसान को दे करके, किसी ऐसे नेता को दे करके जो हार जाए जा करके, तो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले कांग्रेस को अपने अंदर मंथन की जरूरत है, सोचने की कि कैसे लीडर्स को आगे बढ़ाया जाए, किनको जिम्मेदारियां दी जाए, और कैसे जमीनी नेताओं को आगे लाया जाए, और कैसे उनकी पॉलिसी पर चला जाए। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक तो बड़ा मुश्किल है कहीं भी काम करना, क्योंकि कमांड ऊपर से आती है, अगर वहां से सब कुछ सही रहेगा तो नीचे तक सही चलती है, मेरा मानना ही है। बिल्कुल सत्यन जी, एक आखिरी सवाल, शिवराज जी तो झारखंड चुनाव में बिजी थे, हालांकि ठीक है चेहरा रमाकांत जी को बनाया है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ही वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है जो शिवराज जी ने रिकॉर्ड तोड़ा था वो रिकॉर्ड टूटेगा इस बार? देखिए, शिवराज जी चुनाव तो नहीं लड़ रहे, लेकिन हाँ एक एक कार्यकर्ता वहां चुनाव लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता लड़ा है, और हमने वहां पर अपना प्राणार्पण भाव से सर्वस्व समर्पण किया है, बुधनी की जनता को भगवान मान करके अनेक योजनाएं वहां चल रही हैं, वहां विकास के प्रतिमान गढ़े गए हैं, शिवराज जी ने पहले उस क्षेत्र को देखा है और अब वो उस क्षेत्र के सांसद हैं, और आपने देखा बुधनी जैसी जगह में मेडिकल कॉलेज आ गए हैं, बुधनी जैसी जगह में इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हुए हैं, बुधनी जैसी जगह में इंडस्ट्रीज की लाइन श्रृंखला लगी हुई है, उद्योगों का जाल बना हुआ है, और ऐसे अनेक कार्य हुए, रोड नेटवर्क का तो मैं कह रहा हूँ मकड़ी का जाल कम हो जाएगा, उससे ज्यादा सड़कों का नेटवर्क है वहां पर, तो ऐसा हमने वहां पर जाल बुना हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ईजी हुआ है और लोगों की लाइफ को ईज ऑफ लाइफ किया है, हमने वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, और वही बात हम विजयपुर की में भी कर रहे हैं। तो निसंदेह जो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रहती है तो सभी जगह काम करती है, और एक एक कार्यकर्ता लड़ रहा है, और वो इसी यही कारण है कि 163 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, सिद्धांत एक एक व्यक्ति के मध्य प्रदेश के भगवान रूपी जनता के हृदय प्रदेश में विद्यमान है, विराजमान है, और प्रस्फुटन जब होता है, आज ईवीएम खुलती है, आज ईवीएम खुल रही है, छप्पर फाड़ के ईवीएम में से निकल रहे हैं, आप देखिए महाराष्ट्र हो, विजयपुर हो, बुधनी हो, सब जगह, उत्तर प्रदेश हो, जहां अखिलेश यादव जी कहते थे कि 9 की 9 सीट जीत रहे हैं, और भाजपा जो है हताश निराश है, आज देखिए 7 से ज्यादा सीटों पर हमारे उपचुनाव जो यूपी में चल रहे हैं वहां पर आगे चल रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, क्या अखिलेश यादव जी क्या मुंगेरी लाल सिद्ध हो रहे हैं क्या? एक अयक्ष प्रश्न खड़ा होता है कि अखिलेश यादव क्या ब्लफ मास्टर सिद्ध हो रहे हैं क्या, क्या अखिलेश यादव बड़बोले सिद्ध हो रहे हैं? तो ये मुंगेरी लाल देख वाली बात है या शेख चिल्ली बनना है, तो अखिलेश यादव जी बन गए, सोचिए समाजवादी पार्टी के नेता, अभी और इंतजार करते हैं, धीरे धीरे नहीं यार इंतजार कर रही है, टिकट देखने को मिल रही, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, धर्मेंद्र जी थोड़ा तो इंतजार करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है कभी भी, बिल्कुल करना पड़ सकता है, ये पेटियां हैं जब खुलती हैं तो कभी बदल जाते हैं, कभी कुछ होता है, लेकिन ठीक है वेट करते हैं, 1-2 घंटे मुझे लगता है सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, फिर स्थिति होगी बात करने वाली। जी सत्यन जी, धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों। जी सत्यन जी बोलिए। मैं ये कह रहा था झारखंड में भी हम आज अभी कम अप कर रहे हैं, देखिए कुछ सीटें ऐसी है जो 50-49 वोट से
कांग्रेस या जेएमएम का प्रत्याशी आगे चल रहा है, जामा सीट है, ऐसी कुछ और सीटें हैं, मैंने अभी देखा उसमें काफी सारी सीटें हैं वहां पे, कहीं हमारी 1000 से कम है बड़ा, और कहीं हम 1000 से ट्रेल कर रहे हैं, और अभी राउंड भी जो है ना वहां पे कहीं 10 राउंड हुए, कहीं 8 राउंड हुए, कहीं 7 राउंड हुए। प्रमोशन और मिलना चाहिए झारखंड जीत रही है अगर एनडीए तो। देखिए शिवराज जी तो जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, जो उनका व्यक्तित्व है, नहीं इतना सब कुछ मिला है उनको, वो देखिए सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, वो उनके ऊपर क्राउन है, और शायद सबसे बड़े अभी भारतीय इतिहास में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान भी उनके पास ही है, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, और उसके बाद अभी भारत में वो कृषि मंत्री हैं, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं, तो उनको बहुत कुछ मिला है, और मैं तो कहता हूँ उनका जो कृतित्व रहा है और जो उन्होंने काम किया है वह उसको कहेंगे सुपरमैन है, वो ही मैन है, वो है महामानव है। तो मेरी नजर में तो जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठनात्मक सेवा की है, जिस पर जब वो पिछली बार जब हमारा सदस्यता अभियान था ना, उस समय वो राष्ट्रीय प्रभारी थे, तो हमारे 18 करोड़ सदस्य बने थे, उनके नेतृत्व में ही बने थे, वही सुपरवाइज कर रहे थे पूरे देश की सदस्यता को। जी धर्मन जी, जी जी, जैसे आपने कहा कि महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी तो अभी उसमें एंटी इनकंबेंसी फैक्टर नहीं था, वहां जनता ने फिर आपको चुना, तो मेरा कहना है कि क्या झारखंड में जो सरकार मौजूदा थी अभी जेएमएम की और हेमंत सोरेन की और जो भी थी, क्या वहां पर जनता के बीच में एंटी इनकंबेंसी फैक्टर नहीं था, या था तो आप उसका फायदा नहीं उठा पाए? देखिए धर्मेंद्र जी, वही मैं कह रहा हूँ, अभी थोड़ा कहना जल्दबाजी होगा, मुझे लगता है कि अभी हम वहां सरकार बनाएंगे, हम बहुमत, अभी हमारी जो है सीट भी इतनी कम नहीं है, 30-32 सीट पे है, 41 सीट का बहुमत चाहिए है, तो कम ज्यादा हो रहा है, और मैंने आपको बताया अंतर भी कि कहीं 48 वोट से जेएमएम आगे चल रही है, कहीं 500 वोट से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, मुझे लगता है ऐसी कई सीटें हैं जो निर्णायक सिद्ध होंगी, और अभी भी 10 से ज्यादा अधिक राउंड वहां पर बाकी है मतगणना के, तो थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। और जो आपने जो प्रश्न महाराष्ट्र के संदर्भ में किया, निसंदेह देखिए जो विपक्ष होता है वो सारा, जो महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी हो गई, शरद पवार जी की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, और वंचित बहुजन अघाड़ी है, वंचित और वो बहुत सारी पार्टीज हैं। अब वो पार्टी है, उन्हें सबने भी विपक्ष में रह करके सत्ता पक्ष का विरोध करना और जो अच्छे काम होते हैं उसमें भी वो यज्ञ में हवन डालते हैं, वो कहने का मतलब ऋषि मुनि होते हैं, ऋषि मुनि हवन करते हैं, ले हम आहुति डाल रहे थे विकास की आहुति, लेकिन इन्होंने उसमें कुछ दूसरी जो अशुद्ध वस्तुएं डाल दी, मैं कोई व्यक्तिगत नाम में अशुद्ध वस्तुएं डालने से जो पूरे यज्ञ हवन जो होता है ना द्विवेदी जी, उसको दूषित करने का काम उन्होंने भरपूर किया है, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया उसके बाद, लेकिन प्रबुद्ध, आपने भी कहा कि जनता आज प्रबुद्ध है, और उसको जनता को अगर आप लोकतंत्र में देखिए जनता भगवान होती है, और अगर आपने भगवान मान करके उनका काम करेंगे कि जनता सब जानती है और ये भगवान है और हमें इससे कुछ छिपाना नहीं, इसके काम करना है इसके कल्याण के लिए, हाँ भारतीय जनता पार्टी ने काम किए तो वह हमें पुनः आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ ये बात सही है कि अभी आप जो कह रहे हैं झारखंड में हम ट्रेल कर रहे हैं, हो सकता है जो अभी चल रहा है, अभी 10 राउंड की गिनती है, अभी 23 राउंड 21 राउंड होना है कहीं कहीं सीटों पर, तो निसंदेह हम वहां पर भी आएंगे, वो पूर्ण विश्वास है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी क्या दम्भ भर रही थी कि 9 सीटें लड़नी थी, 7 सीट पर उनने प्रत्याशी उतार दिए थे अपने पहले ही, कांग्रेस को बोला था 2 पे लड़ दो, कांग्रेस ने कहा हमारी हैसियत ही नहीं, हम लड़ ही नहीं सकते, तो मना कर दिया था, कांग्रेस नहीं लड़ी। उसके बाद भी अभी हमारे प्रत्याशी सबसे अधिक आगे हैं और कई सीटों पर जो समाजवादी पार्टी की सीट थी उस पर भी हम आगे हो गए हैं, तो एक तरह से इट इज ए रियल ब्लो, एक बहुत बड़ा सेटबैक है अखिलेश यादव जी के लिए। अखिलेश जी ने कहा कि हम भाजपा जो है निराश है, हताश है, इसलिए सब कर रही है, वो 9 की 9 सीट जीत रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, अखिलेश जी शेख किल्ली सिद्ध हो रहे हैं, अखिलेश जी मुंगेरीलाल सिद्ध हो रहे हैं, अभी मैं पूर्ण रूपण नहीं कहूंगी हो चुके हैं सिद्ध, लेकिन अभी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता ने हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर विश्वास दिखाया है और ईवीएम में से जो वोटों का पहाड़ निकल रहा है उसकी गिनती चल रही है, आप देखिए वो मुझे लगता विश्वास है कि पूर्ण रूपेण वो मुंगेरीलाल सिद्ध हो जाएंगे, वो शेख चिल्ली सिद्ध हो जाएंगे, वो ब्लफ मास्टर सिद्ध हो जाएंगे, मुझे लगता है ये थोड़ा सा आत्मावलोकन भी करेगी अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी। ठीक है सत्येंद्र जी, थोड़ा इंतजार करते हैं, अभी मध्यप्रदेश उपचुनाव के जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उसमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है विजयपुर सीट पर भी और बुद्धि सीट पर भी, झारखंड के लिए भी इंतजार करना होगा, धीरे धीरे सारी ईवीएम खुल रही है,
बहुत बहुत धन्यवाद सत्यन जी आपका, धर्मेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद एनएमएफ न्यूज से जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से हमने देखा कि मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव के नतीजे विजयपुर और बुधनी सीट पर आ रहे हैं, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी आगे है, लेकिन क्या शिवराज का जादू फिर से बुधनी में चलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।